empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get up. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉल्ड जर्नी टू टेक। आज गोल्ड वेव का पार्ट 7 अपने रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मिक्स करना सीखेंगे, इफेक्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। कुछ इफेक्ट्स आज की वीडियो में देखेंगे और कुछ इफेक्ट लास्ट वीडियो में जो पार्ट नंबर 8 होगा उसमें। तो शुरू करने से पहले एक बात, लाइक कीजिए, आपको एक अच्छा नहीं आएगा हमारे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज की तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग अपना गोल्ड वेव ओपन कर लीजिए, मेरा गोल्ड वेव ओपन है। सबसे पहले हम लोग मिक्स करना सीखेंगे कि मिक्स कैसे किया जाता है दो ट्रैक्स को आपस में। तो उसके लिए हम लोग जो है अपनी दो फाइल्स आपको ओपन कर दी, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो मैं यहाँ अपनी एक फाइल को प्ले करता हूँ आपके सामने। ये फाइल है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मिक्स कराऊँ किसी दूसरे ट्रैक के साथ। उसके लिए मैंने इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉपी करेंगे हम फाइल, इस फाइल को कंट्रोल सी, कॉपी सिलेक्टेड साउंड टू क्लिप ऑन। दूसरी फाइल में जाएंगे, द ओपन फाइल इज इन अंडरलाइन कॉल अंडरलाइन। अगर हम शुरू से मिक्स करना चाह रहे हैं तो यहीं पर ही कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। अगर किसी मतलूबा पॉइंट से मिक्स करना चाह रहे हैं तो आप उस पॉइंट पे जाके स्टार्ट मार्कर को वापस सेट करेंगे और फिर मिक्स की कमांड देंगे। फिलहाल मैं आपको शुरू से ही मिक्स करके दिखा देता हूँ, फिर आपको बीच में से दिखा दूंगा। यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल एम करते हैं, मिक्स डायलॉग टाइम वेयर मिक्स विल बिगिन कॉल एंड एडिट 0:00, ये टाइम वेयर मिक्स है, इसको छोड़ें, टैप करें, प्रीव्यू बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, स्टॉप बटन टू वॉल्यूम लेफ्ट पेयर एंड डीबी राइट पेयर एंड कॉल एंड एडिट कॉम्बो 0.00 टू सेट द वॉल्यूम, 0.00 ये फुल वॉल्यूम है, इसको प्ले करते हैं। यहाँ से इसको कम करते हैं डाउन एरो से, volume left parent db right parent colon edit combo -1.0। अब प्रीव्यू लेने के लिए F4 प्रेस करेंगे और स्टॉप करने के लिए प्रीव्यू F8। आपको दोनों की आवाज आ रही होगी, उसको ऐसे पॉज करा। अब मैं ऐसे स्केप करता हूँ क्योंकि मुझे अभी अप्लाई नहीं करना, अगर अप्लाई करना तो एंटर करेंगे। अब मैं चाहता हूँ किसी जगह बीच में से ये साउंड मिक्स हो, तो उसके लिए प्ले करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ से थोड़ा मिक्स हो तो आप यहाँ पे स्टार्ट मार्कर को लाएंगे, स्टार्ट मार्कर, और कंट्रोल एम कर देंगे, मिक्स डायलॉग टाइम वेयर मिक्स विल बिगिन कॉल एंड एडिट 0:25, और फिर एंटर कॉल 0% प्रोसेसिंग मिक्स डायलॉग टाइम रिमेनिंग कॉल 0% राइट पेयर एंड कैंसिल बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार गोल्ड वेव द टोटल प्ले टाइम से प्ले करते हैं प्ले 3 बटन। देखा आपने इस तरीके से मिक्स किया जाता है। आगे से आप लोग जहाँ से मैंने स्टार्ट मार्कर को लेके आया वहां से फिर वो सॉन्ग जहाँ पे हमने स्टार्ट मार्कर प्लेस करा था वहां से दूसरा सॉन्ग भी इसके साथ स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं ऐसे अंडू कर देते हैं। अब मैं आपको इफेक्ट्स दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इफेक्ट्स में जाने के लिए ऑल सी करते हैं, उसके लिए मैं दूसरी फाइल खोल लूँ अपनी एक रिकॉर्डिंग जो मैंने करी थी कुछ दिनों पहले। ये हमने एक रिकॉर्डिंग करी थी जब हम लोग रिकॉर्डिंग करना सीख रहे थे गोल्ड वेव में, तो उसको प्ले करते हैं। प्ले 3 बटन। गोल्ड वेव के ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 6 में आज हम लोग रिकॉर्डिंग के बारे में सीख रहे हैं। फिनिश मार्कर यार मैंने फिनिश मार्कर लगा दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया शुरू से लेकर एंड तक। अब इफेक्ट्स में चलते हैं, ऑल सी, ऑल सी मेन्यू इफेक्ट। बहुत सारे इफेक्ट्स में आपको सिर्फ कुछ दिखाऊंगा जो काम के हैं आज कुछ, और लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स दिखाऊंगा, तो
वो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। सबसे पहले हमारा फोकस है मुख्तलिफ किस्म के प्रीसेट्स हैं, डाउन एरो करते हैं बीप। अगर सेंसर का काम यह है, अगर आप कोई हिस्सा हिडन करना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, तो आप उसको सेंसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बीप पे मैं अगर मैं क्लिक एफ फॉर प्रेस करता हूँ प्रीव्यू लेने के लिए, अगर अप्लाई करना है तो एंटर करना पड़ेगा। Stop preview. मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला देखें, डाउन एरो करते हैं, डिफॉल्ट में जाए, सारे प्रीसेट्स हैं जो कि मैं डाउनलोड से चेक कर म्यूट में होगा, बस वो जगह जो म्यूट हो जाएगी, यानी रिकॉर्डिंग जो चल रही होगी लेकिन आवाज नहीं आएगी। ओवरराइड विद क्लिपबोर्ड, ओवरराइड विद क्लिपबोर्ड, क्वाइट बस, क्वाइट बस, साइरन, साइरन, स्टार्ट प्रीव्यू, स्टॉप प्रीव्यू, यहाँ पे स्टॉप है। इसमें से आपको किसी भी, अगर आप कोई भी इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो सिर्फ उस पर एंटर करने वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ किसी हिस्से को छुपाना चाह रहा हूँ तो उस पर एंटर करूंगा, ये रिकॉर्डिंग देखा आपने, वो सारा जो शुरू का था वो सारा कट गया, यानी उसको इस सायरन ने उस आवाज को बिल्कुल ही दबा दिया और ये सायरन आ गया उसकी जगह। यहाँ से हम इसको अंडू कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखे रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, प्ले थ्री बटन, गोल्ड वे, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग वही जो है नॉर्मल वे में आ गई। अगर आप साइलेंस लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो, अपनी किसी रिकॉर्डिंग पे, तो इसके लिए आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। Insert silence, duration left paren, right paren, colon, edit combo, 5.00. यहाँ पे सेकंड्स है, आप जितनी चाहे लगा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम 5 सेकंड्स की साइलेंट लगाई थी, उस वजह से मुझे यहाँ पे रिकमेंड 5 सेकंड कर रहा है। अगर मैं 3 सेकंड की लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 5 मिटा दूंगा और 3 लगा के एंटर। अब 3 सेकंड की साइलेंस हो गया, अगर मैं प्ले करूंगा, देखो प्ले करा, प्ले 3 बटन, ये साइलेंस 3 सेकंड की आई हुई है, जैसे ये खत्म होगी मेरी स्टार्ट हो जाएगी, गोल्ड स्टार्ट हो गई। तो साइलेंस इस तरीके से लगा सकते हैं। साइलेंस आपको वॉइस ओवर में बड़ी मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट स्टार्ट ना हो, पहले ट्रैक आए फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, तो उसमें साइलेंस का बड़ा काम होता है, आपको अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे। अब आपको नेक्स्ट इफेक्ट दिखाते हैं, ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 6 में आज हम लोग रिकॉर्डिंग के बारे में सीख रहे हैं। डॉपलर, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं अभी आपको इको दिखाता हूँ। वो हिस्सा सिलेक्ट करा जिसको मैंने इको करना, आपको पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना, इको करना है जो भी इफेक्ट टाइप उसको अप्लाई करना, तो उसको ऑल कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आके वो इफेक्ट अप्लाई कर दे। अगर आपको किसी सेपरेट एक हिस्से को आपने इको करना है तो उसके लिए आपने वो इको वो जगह सिलेक्ट करनी है, स्टार्ट और फिनिश मार्कर लगा के फिर उसको इफेक्ट मेन्यू में जाके वो प्लीज वो अपना इफेक्ट मतलब इफेक्ट अप्लाई कर देना। पहला है 5.1 सेकंड इको, इसके बाद डाउन एरो करते हैं, डिफॉल्ट पे F4 करके चेक करते हैं। आज हम लोग रिकॉर्डिंग के बारे में सीख रहे हैं, आगे डाउन एरो करते हैं। Stop heavy robotic rest. Stop robotic. Robotic feedback. ये सारे प्रीसेट्स आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। Short stereo echoes. Short stereo echo ये भी एक प्रीसेट है। Stop preview. अगर आप अपने हिसाब से इको को एडजस्ट करना चाह रहे हैं वैसे तो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बेहतरीन रहती है, फिर भी अगर करना चाहते हो उसके लिए अपने टैप करना है। Presets, presets, preview, stop, okay, cancel, help, but echoes, colon, edit, combo, 8, does it? यहाँ पे आप echoes की तादाद को बढ़ा और कम कर सकते हैं डाउन एरो पर से। 7, 6, देखिए 6 हो गया, मैं 6 पे रख के प्ले करता हूँ। Stop preview. अगर आप और कम करना चाहते हैं, 1, Stop preview. देखिए 1 पे आ गया, अब मैंने इसको दोबारा 10 कर दिया। 9, 10, enter, processing, echo.
अब ये मैंने एको अप्लाई करा। जिस भी आप प्रीसेट पे चेंज करना चाहते हैं, जिस भी एको की प्रीसेट, आप उस पे रहते हुए टैप करेंगे, फिर प्रीसेट्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको एको को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। और आगे भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, डिले करना चाहें, जो आप करना चाहें आपको आगे ऑप्शन में मिल जाएंगे टैप करने पर। आप प्ले करते हैं ये रिकॉर्डिंग। तो देखिए आगे से वो हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग आ गई। तो इस तरीके से आप ये इफेक्ट जो मैंने आपको बताया अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वॉइस ओवर और कुछ मेन जो थोड़े से इफेक्ट्स बाकी हैं उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये सीरीज जो है वाइंड अप हो जाएगी। तो उम्मीद करता है आज की वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिए, लाइक करने से आपको फैक्ट नहीं आएगा, हमारे साथ हो जाएगी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें। मैं मिलूंगा पार्ट नंबर 8 में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।